की शुरुआत करेंगे इस वक्त की बड़ी और अहम खबर के साथ। बड़ी खबर तमाम दर्शकों तक पहुंचा दे जो कि बड़ौदा उपचुनाव से जुड़ी हुई है। बड़ौदा उपचुनाव के प्रचार में जुटे सियासी दिग्गज, बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष ओपी धनखड़ लेंगे कार्यकर्ताओं की बैठक। बीजेपी उम्मीदवार योगेश्वर दत्त के लिए करेंगे चुनाव प्रचार। आपको बता दें भैसवान खुर्द मदीना आहुलाना में करेंगे जनसंपर्क अभियान। भूपेंद्र सिंह हुड्डा इनेलो नेता अभय सिंह चौटाला भी करेंगे चुनाव प्रचार। तो देखिए तमाम पार्टियों के दिग्गजों की ओर से धुआंधार चुनाव प्रचार किया जा रहा है। भूपेंद्र सिंह हुड्डा 8 जगहों पर करेंगे चुनावी सभा और इनेलो नेता अभय चौटाला 9 गांव का दौरा करेंगे। देखिए बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष ओपी धनखड़ कार्यकर्ताओं की बैठक लेंगे। बीजेपी उम्मीदवार योगेश्वर दत्त के लिए चुनाव प्रचार करेंगे। भैसवान खुर्द मदीना आहुलाना में करेंगे जनसंपर्क अभियान। भूपेंद्र सिंह हुड्डा और अभय चौटाला चुनावी प्रचार कर रहे हैं और आज भूपेंद्र सिंह हुड्डा 8 जगहों पर चुनावी सभा करेंगे। अभय चौटाला की बात करें तो 9 गांव का दौरा इनेलो नेता अभय चौटाला की ओर से किया जाएगा। तो तस्वीरें हम दिखा रहे हैं आपको जहां तमाम पार्टियों के दिग्गज इस रण को फतेह करने के लिए धुआंधार प्रचार में जुटे हुए हैं। तो ऐसे में तमाम पार्टियों की ओर से कोशिशें की जा रही हैं कि इस सीट को वो अपने खाते में ले सकें। तो ऐसे में तमाम पार्टियों के दिग्गजों की ओर से चुनावी प्रचार प्रसार में अपने प्रत्याशियों के प्रति लोगों के बीच जान फूंकने की कोशिश की जा रही है और अपने अपने प्रत्याशियों के पक्ष में तमाम पार्टियों के नेता वोट की अपील भी कर रहे हैं। बीजेपी की बात करें तो बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष ओपी धनखड़ आज कार्यकर्ताओं की बैठक लेंगे। बीजेपी उम्मीदवार योगेश्वर दत्त के लिए चुनाव प्रचार करेंगे। भैसवान खुर्द मदीना आहुलाना में जनसंपर्क अभियान करेंगे। नेता प्रतिपक्ष और पूर्व से भूपेंद्र सिंह हुड्डा 8 जगहों पर चुनावी सभा करेंगे। इनेलो नेता अभय चौटाला की बात करें तो आज वो 9 गांव का दौरा करेंगे। तो यहां 3 नवंबर को वोटिंग होनी है, 10 नवंबर को परिणाम सबके सामने होंगे। ये देखना होगा कि जो धुरंधर लगातार चुनावी प्रचार कर रहे हैं इस प्रचार का जनता पर किस तरह से असर होगा, कितना जनमत हासिल कर पाएंगे। तो चलिए रुक कर लेते हैं बड़ौदा की ओर जहां से हमारे संवाददाता संजय राठौर हमारे साथ लाइव जुड़ चुके हैं। संजय बताएं कि यहां क्या कुछ तस्वीर देखने को मिल रही है, क्योंकि देखिए तमाम पार्टियों के नेताओं की ओर से यहां चुनावी प्रचार किया जा रहा है, धुआंधार प्रचार यहां किया जा रहा है, जनमत यहां अपने पक्ष में करने की तमाम नेता अपील भी कर रहे हैं। तो आज क्या कुछ अपडेट साझा करें? जिस तरीके से मैं बीजेपी की बात करूं, कांग्रेस की बात करूं या फिर गठजोड़ के कैंडिडेट की बात करूं, तीनों ही पार्टी के जो नेता हैं बड़ौदा हल्के में अपने पैर जमा चुके हैं और अपने प्रत्याशी को जिताने के लिए तमाम वो प्रयास कर रहे हैं। डोर टू डोर कैंपेन उनकी तरफ से जारी है और जो बीजेपी की खासतौर पर बात करूं, जो विकास कार्य बीजेपी ने कराए हैं उनको गिनवाने का काम करें। साथ ही साथ जो किसान की मैं बात कर दूं, किसान बीजेपी पार्टी से काफी खफा नजर आ रहे हैं। और वहीं दूसरी तरफ पूर्व मुख्यमंत्री की मैं बात करूं, भूपेंद्र सिंह हुड्डा, कुमारी शैलजा या फिर पूर्व सांसद दीपेंद्र हुड्डा, तमाम वो बड़े चेहरे बड़ौदा हल्के में अपने कैंडिडेट को जीत दिलाने के लिए तमाम प्रयास कर रहे हैं। डोर टू डोर कैंपेन उनकी तरफ से किया जा रहा है और क्योंकि कांग्रेस की जो कैंडिडेट की बात करूं, 3 बार यहां से विजय हुआ है, क्योंकि कांग्रेस की यही सीट मानी जाती है। जिस तरीके से 3 चुनाव में कांग्रेस का जो कैंडिडेट यहां से जीत दर्ज करता है और बीजेपी के लिए काफी बड़ी चुनौती सामने है, जिस तरीके से कपूर नरवाल ने अपना नॉमिनेशन, उसके बाद कहीं ना कहीं कांग्रेस मजबूत होती नजर इसमें दिख रही है। जी संजय, जिस तरह से चुनावी रुझान सामने आ रहे हैं, लोगों की प्रतिक्रियाएं हम भी सुन रहे हैं, तो लोगों का कहना है कि बीजेपी और कांग्रेस में टक्कर नजर आ रही है। हालांकि अब जो गठबंधन की सरकार है तो ऐसे में जेजेपी के साथ जो टक्कर पिछली बार हुई तो वो अब की बार नजर नहीं आएगी, लेकिन अगर इनेलो की बात करें तो इनेलो का कितना जनाधार माने? बिल्कुल,
जिस तरीके से सोनिया मैं बताना चाहूंगा, इनेलो की मैं बात करूं, पिछली बार भी वो चौथे पायदान पे जरूर काबिज हुई थी, मात्र 3 से 3,500 वोट उनके आए थे, लेकिन इस बार इनेलो की बात करूं थोड़े से वोट बढ़ सकते हैं जिस तरीके से अभय चौटाला प्रचार में उतर गए हैं, ग्राउंड पे काम कर रहे हैं। और दूसरी तरफ पूर्व मुख्यमंत्री ओम प्रकाश चौटाला की बात करूं, वो भी प्रचार में आते हैं, तो कहीं ना कहीं जो वोट बैंक है वो जरूर बढ़ सकता है, लेकिन जीत की बात करूं तो उसके आसपास भी नजर नहीं आ रही है इनेलो। और लेकिन कांग्रेस और बीजेपी में आमने सामने की टक्कर जरूर देखने को मिल सकती है। जिस तरीके से पिछले चुनाव की बात करूं, मात्र 5,000 वोटों का ही अंतर देखने को मिला था, लेकिन इस बार जो फाइट होगी बड़ी दिलचस्प होगी, काफी कम वोटों का अंतर उसमें देखने को मिल सकता है। जी संजय, फिलहाल जब हम गांव का दौरा कर रहे थे तो गांव वालों की ओर से बहुत सारी समस्याएं बताई गई, पानी की समस्या, बिजली की समस्या, जो खेल गांव है वहां स्टेडियम की समस्या। तो ऐसे में जब चुनावी प्रचार प्रसार हो रहा है तो मुद्दों की बात बहुत कम नजर आ रही है, बात राजनीतिगत नजर आ रही है, तो मुद्दों की बात यहां पर नजर नहीं आ रही है। लेकिन अगर लोगों की माने तो क्या यहां से प्रतीत होता है, क्या लोग जो वोट देंगे वो मुद्दों से ही देंगे, क्योंकि जातीय समीकरण को हम नकार नहीं सकते हैं। हर बार जब भी वोट दिए जाते हैं, प्रत्याशी उतारे जाते हैं, तो जातीय समीकरण ही देखा जाता है। जिस तरीके से मैं बात करूं, मुद्दों की बात करूं, या फिर 54 गांवों बड़ौदा हलके में लगते हैं उसके तमाम विकास कार्यों की बात करूं, जिस तरीके से हरियाणा न्यूज की टीम तमाम गांवों में पहुंची, लोगों का हाल जाना, क्या विकास कार्य हुआ क्या नहीं, उसकी पड़ताल हरियाणा न्यूज की टीम ने की। साथ ही साथ मैं गाँव की बात करूँ, विकास कार्यों की, अभी तमाम ऐसे गांव हैं जिसमें विकास के नाम पे सिर्फ खाना पूर्ति जरूर की गई है। मैं हॉस्पिटल की बात कर लेता हूं, साथ ही साथ बच्चों के स्कूल की मैं बात करूं, तमाम वो सुविधा गांव में अभी बाकी है, जो बीजेपी सरकार एक तरफ जो विकास की एक गति की साथ साथ एक विकास का नारा दे रहे थे, लेकिन इस बार बड़ौदा हलके में, क्योंकि काफी पिछड़ा हुआ हलका ये माना जाता है, ये विधानसभा क्षेत्र माना जाता है, गांव में काफी कम विकास हुए हैं, अभी भी विकास की जरूरत है, लेकिन इलेक्शन से पहले सरकार के द्वारा सरपंचों को खुश करने की जरूर कोशिश की गई, उनके अकाउंट में जरूर पैसे डालने की कोशिश, लेकिन वो पंचायत के खाते में ना डालते हुए एक्शन के खाते में वो डाइवर्ट कर दिए गए, क्योंकि विकास कार्य कराया जाए, लेकिन उससे भी जो लोग हैं वो काफी खफा है। और विकास कार्य की मैं बात कर लेता हूँ, क्योंकि बड़ौदा हलके की एक ही है कि जो इनके हलके का कैंडिडेट हो उसको ये जिता के इस बार विधानसभा भेजेंगे, और जो इनके सुख दुख में खड़ा हो, जो इनकी आवाज विधानसभा में उठा सके, तो वही तमाम मुद्दे हैं, लेकिन इस बार सिर्फ आमने सामने की लड़ाई जरूर देखने को मिलेगी, लेकिन तमाम आपकी जिस तरीके से आपने कहा कि मुद्दों की राजनीति इस बार नहीं हो रही है, सिर्फ जाट और नॉन जाट की राजनीति इसमें देखने को मिल रही है, कास्टिज्म इस विधानसभा क्षेत्र में काफी देखने को मिलता है, जाट और नॉन जाट की फाइट होती है, लेकिन इस बार विकास कार्य के नाम पे भी जो भी पार्टी वोट मांगेगी कहीं ना कहीं उनके लिए एक काफी मुसीबत का उन्होंने को सामना करना पड़ेगा। जिस तरीके से बीजेपी पिछले 6 साल का हिसाब, कांग्रेस पार्टी बीजेपी से पिछले 6 साल का हिसाब मांग रही है, दूसरी तरफ बीजेपी 54 साल का हिसाब मांगते, तो कहीं ना कहीं आमने सामने की ये आपस में दोनों पार्टी एक दूसरे पे आरोप प्रत्यारोप लगा रहे हैं, लेकिन जनता के हक की बात कोई भी नहीं कर रहा। चलिए, बहुत शुक्रिया संजय, आप हमारे साथ बने।